नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ त्रासदी की सातवीं बरसी पर बूढ़ानाथ में हुआ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री हुए शामिल। पुलिस जिला नवगछिया में अपराधी हुए बेखौफ, बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे व्यक्ति से लूटे 55,000 रुपए। इक्कीसवीं सदी में भी लोगों पर अंधविश्वास हावी, इलाज कराने के बदले करा रहे हैं झाड़ फूंक। धरारा निवासी अपूर्व सिंह इंडियन नेवी में बने सब लेफ्टिनेंट, माता पिता ने कहा देश की सेवा करने की थी चाहत। और भारत चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, भागलपुर में चीनी झंडा एवं राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर जताया गया विरोध। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय उत्तराखंड त्रासदी पीड़ित मंच द्वारा केदारनाथ आपदा की सातवीं वर्षी ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मनाई गई। वहीं भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ प्रांगण के बाहर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हवन एवं प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का संचालन अर्जित शाश्वत चौबे ने किया। इस दौरान देश के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और साधु संतों ने चीन द्वारा LAC को पार कर पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में घुसपैठ की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं अर्जित शाश्वत चौबे समेत कई लोगों ने शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम गणमान्य आज श्रद्धांजलि के लिए जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी 2013-16-17 जून, आज 17 जून है, 7 वर्ष हो गए हैं, उन हुतात्माओं को याद करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए हम सभी लोग भागलपुर में भी आज यहाँ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश भर से जुड़े हैं। आपने भी देखा इस प्रकार हमारे सभी वक्ताओं ने अपने उद्गार व्यक्त किए, विशेष करके दो दो जगत गुरु पद्म विभूषण श्री श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी अनंताचार्य जी महाराज भी अपना आशीर्वचन उन लोगों ने दिया है। पुलिस जिला नवगछिया में अपराधी बेखौफ होकर लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला खरीक बाजार के समीप का है, जहां ध्रुवगंज निवासी अब्दुल अंसारी खरीक बाजार स्थित SBI शाखा से रुपए की निकासी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान ताक लगाकर बैठे बाइक सवार बदमाशों ने रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। सारी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि बैंक से पैसे की निकासी कर वह साइकिल से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में बाबा गणिनाथ धाम के समीप फोटो स्टेट दुकान के सामने साइकिल खड़ी कर फोटो स्टेट कराने चला गया। इतने में साइकिल की हैंडल में टंगे थैले को बाइक सवार बदमाश लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि थैले में 54,000 रुपये, पासबुक समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जिसके बाद घटना की सूचना पीड़ित ने खरीक थाना को दी। वहीं थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि झपटमार की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 21वीं सदी में जहां लोग ज्ञान विज्ञान और डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ चुके हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झाड़ फूक एवं अंधविश्वास के चक्कर में फंसे हुए हैं। ताजा मामला भागलपुर के मुंदी चक स्थित विषहरी स्थान का है, जहां बुधवार को एक बुजुर्ग महिला एक युवती को लेकर भूत उतरवाने पहुंची। महिला ने कहा कि पिछले 4 दिनों से उसकी बच्ची पर बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है, जिससे बच्ची अजीब हरकतें करती है और घर के सामान को भी तितर बितर कर देती है। झाड़फूंक करने वाले बाबा ने कहा कि लड़की के शरीर पर जिन का साया है और इसी कारण वह अजीब गरीब हरकतें करती है। साथ ही कहा कि तंत्र मंत्र से बच्ची पर से बुरी आत्माओं एवं भूत प्रेत का साया दूर हो जाएगा। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि किसी तरह की बीमारी या मानसिक समस्या होने पर सबसे पहले चिकित्सकों से संपर्क करने के बजाय आज भी लोग अंधविश्वास से ग्रसित होकर झाड़ फूंक के चक्कर में फंस जाते हैं, जिस कारण मरीज की गंभीर हालत होने पर कई बार मौत भी हो जाती है। 14 तारीख का जो बोल रहा है, एक जैसे झोंक आता है ना, वो बोलता है कि हमको उसमें घुसने दे, जिन है, यही बोलता है, जिन है, अगर इसको हम नहीं घुसने देते, छोटे छोटे लगा के भगा देते हैं, बस उधर सामान फेंकने शुरू हो गए।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पंक्ति मुंगेर के धरहरा निवासी कर्नल अरुण कुमार सिंह के पुत्र अपूर्व सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पेशे से इंजीनियर अपूर्व सिंह ने अपनी मेहनत के बल पर इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट बन देश की सेवा करने का गौरव हासिल किया। वहीं नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनने के बाद मां पूर्णिमा सिंह और इंडियन आर्मी से रिटायर्ड पिता अरुण कुमार सिंह अपने बेटे की सफलता पर काफी प्रसन्न हैं। दरअसल सब लेफ्टिनेंट अपूर्व सिंह के पिता कर्नल अरुण कुमार सिंह तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर हैं। रजिस्ट्रार ने बताया कि अपूर्व सिंह इंडियन नेवल एकेडमी आजीमाला कमीशन से 13 जून को पास आउट हुए हैं और वर्तमान में मुंबई स्थित INS में पोस्टेड हैं। वहीं इंजीनियर अपूर्व सिंह का नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद पर चयन होने के बाद TMBU के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह समेत परिवार के लोगों और शुभचिंतकों ने खुशी जाहिर की। सब लेफ्टिनेंट की मां पूर्णिमा सिंह ने कहा कि उनके पति के बाद बेटे का देश सेवा में चले जाना काफी गर्व की बात है। वहीं रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल, अपने आप को मैं बहुत ही सौभाग्यशाली और फॉर्चुनेट समझ रही हूँ कि मेरे पति भी देश सेवा में थे और मेरे बेटा ने भी यही इसी प्रोफेशन को चूज किया, पसंद किया। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ठीक है, पैसा तो मनी तो वो पहले भी इंजीनियर था और दूसरे बहुत ही अच्छे कंपनी में काम कर रहा था, बट वो वहाँ पे उतना सेटिस्फाइड नहीं था। काम होता है हर चीज़ का, हर चीज़ के पीछे लगन और मेहनत होती है और एम्बिशन रहता है, और एम्बिशन बहुत क्लियर रहना चाहिए और सच्ची लगन होनी चाहिए और मेहनत होना चाहिए, समझ गए, तो मुकाम हासिल हो ही जाता है। युवाओं से मैं कहूँगा कि मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, उस मेहनत को जो है प्रैक्टिकल वे में लाएं। लद्दाख LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई मुठभेड़ में भारत के एक सैन्य अधिकारी समेत 20 जवान शहीद हो गए। इसके खिलाफ बुधवार को भाजपा नेत्री एवं कैंप बिहार की संयोजक डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में भागलपुर स्टेशन चौक पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला एवं चीन का झंडा जलाया गया। इस दौरान चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने की बात कही। प्रीति शेखर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम चीन की विस्तारवादी सोच का विरोध करें, साथ ही बॉर्डर पर तैनात तमाम सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए उनके बलिदान को बेकार नहीं जाने दें। इस मौके पर विकास सिंह, बबीता सिंह, सूरज शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। कैंप बिहार के बैनर तले आज हम लोगों ने, कैंप बिहार के सभी सदस्यों ने चीन का झंडा और जिनपिंग का प्रतीकात्मक उनके चित्र में आग लगाकर हमने चीन की इस गतिविधि का, जिसके माध्यम से उन्होंने चीन और भारतीय सेना के साथ जो मुठभेड़ हुआ था उसमें जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके प्रतिरोध में आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, हम चीन सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप ऐसी कायरता और बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाना बंद करें, क्योंकि आज हम सभी लोग भारतवर्ष के एक एक नागरिक, आज हमारे अंदर इतना उबाल है कि वो सैनिक बनकर यहीं से आपका ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी CT स्कैन,
अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था, लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है, डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है, और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, non-AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमला किए जाने के बाद देश की जनता काफी आक्रोशित है। गलवान घाटी में हुए हमले के विरोध में बुधवार को भागलपुर में कई जगह पर शोक सभा, आक्रोश एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। गांधी शांति प्रतिष्ठान में गम और गुस्से के बीच लोगों ने शहीदों को नमन किया। वहीं समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि यह 1962 का भारत नहीं है जो चीन के कायरतापूर्वक हमले का जवाब नहीं दे पाएगा। आक्रोश सभा में संजय कुमार सिंह, पंकज टंडन, वसुदेव भाई, जावेद लकी, चांद झुनझुनवाला समेत कई लोग मौजूद थे। आज राष्ट्रीय विपदा की घड़ी है। कल जो चीन ने भारत के साथ मित्रता की आड़ में जो पुनः धोखा का काम किया है, कायराना हमला किया है, पीठ में छुरा भोंका है और जिससे भारतीय 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, इसके विरोध में हम आज बर्बर हमले के विरोध में आक्रोश सभा सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान के बैनर तले कर रहे हैं। इधर सीमा पर चीन के साथ हुए हिंसक झड़प के दौरान देश के 20 जवानों की शहादत को सलाम करते हुए जागृति युवा मंच के बैनर तले शहीद भगत सिंह प्रतिमा के समक्ष युवाओं ने देश के जांबाज सैनिकों को मोमबत्ती जलाकर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। जागृति युवा मंच के संयोजक रोशन सिंह ने कहा कि हमारे शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं भागलपुर भगत सिंह चौक पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे युवाओं से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। LOC पर भारत के सैनिक शहीद होने के बाद देश भर में प्रतिक्रिया तेज हो गई है और लोग जगह जगह श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि सैनिकों को यहाँ पर भी जो है तो श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुछ लोग हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर किस तरीके से आप देखते हैं चीन की हरकत को। अभी जिस प्रकार से LAC पर चीन ने कायरतापूर्वक हरकत किया है, जिसका जवाब फिलहाल भारतीय सैनिकों ने उसके 43 जवानों की
मौत के घाट उतार कर लिया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी मोदी जी का सरकार है, यदि हमारे 20 सैनिक की शहादत हुई है उसके बदले में उसके 2000 सैनिकों को घाट मार के घाट उतारेंगे और बदला लेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे? ये जो हमारे शहीद हुए हैं उसके लिए पहले तो हम लोग यहाँ नमन करते हैं और मोदी जी से आह्वान करते हैं कि पूरे देश में चीनी सामानों का बहिष्कार हो और 20 के बदले में अभी 43 मारे हैं, हो सकता है 4300 मारेंगे। ये हमारे मोदी जी का सरकार है और हमें गर्व है अपने मोदी जी पे, एक का बदला 100 से चुकाएंगे। चीन का बहिष्कार हो रहा है, चीन की वस्तुओं का यहाँ के लोग बहिष्कार करेंगे, दूसरे लोग भी। आप बताइए सर, किस नज़रिए से आप देखते हैं ये जो नापाक हरकत की जा रही है? देखिए, चाइना ने जो नापाक हरकत किया है तो इसके लिए सबसे पहले तो पूरे देश में चाइना के सम्मानों का बहिष्कार होना चाहिए और सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है और इसका करारा जवाब चाइना को मिलेगा। इसलिए एकदम हम लोग पहले चाइना का बहिष्कार करें, उनके सम्मानों का बहिष्कार करें भारत, भारत माता की। तो जो भारत के जो जवान शहीद हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभा की जा रही है और चीन की जो वस्तुएं हैं उसका भी विरोध, उसका भी बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार जो भारत में जो सैनिक शहीद हुए हैं, भारत के जो जवान शहीद हुए हैं, उसका बदला कैसे लेती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल महिला की इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। वहीं महिला की मौत की सूचना मिलते ही नाथनगर इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतका के परिजनों के बयान पर 7 लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि 8 जून को मथुरापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी जिसमें महिला सावित्री देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। 8 तारीख को मारपीट हुआ था, मट्टी भरवा रहे थे, टिंकू पासवान ने सब रट लेके और भट्टू पासवान और मंटू पासवान सब रट लेके मारा था। मेरा माँ जी कहा था कि हमरो नहीं मारो, हमरा नहीं मारो, हम मरीज भी इतने टब तुम सब रट लेके मार लो सर। नवगछिया पुलिस ने हत्याकांड में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी अजय यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 12 जिंदा गोली, 35,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। SDPO परवेंद्र भारती ने पकड़े गए अपराधी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। SDPO ने कहा कि कुख्यात अपराधी अजय यादव बेगूसराय में हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहा था। SDPO ने बताया कि काजी करैया में अपराधी को देखे जाने की सूचना मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने घेराबंदी कर अपराधी अजय यादव को दबोच लिया। SDPO ने बताया कि पकड़े गए अपराधी पर खरीक थाना में आधा दर्जन कांड दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। छापेमारी दल में खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, बीपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, शंभू उराव, प्रभास कुमार, सिकंदर शाह सहित कई पुलिस के जवान शामिल थे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के सेवा कार्यों से प्रभावित होकर बुधवार को भागलपुर में दर्जनों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जन अधिकार युवा परिषद के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव के समक्ष कई युवा पार्टी में शामिल हुए और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा कि सभी युवाओं को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारधारा पर मजबूती से कार्य करेंगे। इस मौके पर अजीत कुमार, बलराम कुमार, रुपेश कुमार सहित जन अधिकार युवा परिषद से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गर्मी बढ़ते ही जिले में जल संकट गहराता जा रहा है और लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कई किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। बुधवार को जगदीशपुर प्रखंड के सनहौली पंचायत वार्ड नंबर 13 में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि तपती गर्मी के कारण इलाके का कुआं भी पूरी तरह से सूख चुका है, आसपास पानी की कोई स्रोत नहीं होने के कारण ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। स्थानीय मिथुन कुमार ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व PHED की ओर से बोरिंग का निर्माण कराया गया था, लेकिन पानी की टैंकी नहीं बनने के कारण गांव में पानी की किल्लत बरकरार रही। यहां तक कि 3 वर्ष पूर्व कराया गया बोरिंग भी अब फेल हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि PHED की लापरवाही के कारण अब तक गांव में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, यही कारण है कि पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। पानी पियर भीड़ लागे, 3 साल बोरिंग हो गल छे, बोरिंग न पानी को कत्ता आवे छे कत्ता जाय छे, हमरा से पानी प्यासा मरे छे, न पानी पियल मिले छे न नहायल मिले छे,
कांज बना है पियर खाएला। यहाँ की जितनी सारे जनताएं हैं सारे पानी के लिए बहुत ही ज्यादा त्राही हैं, परेशान हैं। यहाँ पानी के लिए किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बगल के गांव है, बगल में ही बना हुआ है पानी टैंकी, वहाँ से पानी लाते हैं। यहाँ के कुआं भी सूखा हुआ है, यहाँ के चापाकल जो है वो भी सूखे हुए हैं। एकचारी पंचायत के पोस्ट ऑफिस भवन की हालत जर्जर होने के कारण वहां काम करने वाले कर्मचारी हमेशा दहशत में रहते थे। पोस्ट ऑफिस भवन की छत बारिश होने के कारण टूट टूट कर गिर रही थी। जर्जर भवन में काम कर रहे कर्मचारी छत गिरने से बाल बाल बच गए थे। घटना की जानकारी डाक विभाग के वरीय अधिकारियों को मिलने के बाद नई स्थान का मुआयना कर डाकघर को एकचारी मेन रोड स्थित मिडिल स्कूल के सामने शिफ्ट किया गया। बांका के अमरपुर डुमरामा में तालाब से खुदाई के दौरान एक खंडित मूर्ति मिली है। बताया जा रहा है कि मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की है और यह 11वीं सदी की है। डुमरामा के सुमित शर्मा समेत कई युवाओं ने कहा कि पोखर की खुदाई के दौरान उन लोगों की नज़र मूर्ति पर पड़ी, जिसके बाद मिट्टी हटाकर मूर्ति को निकाला गया, लेकिन मूर्ति का शिर गायब था। मूर्ति का वजन करीब 1 क्विंटल बताया जा रहा है। कमल आसन पर बैठी हुई आकृति गौतम बुद्ध की होने की अनुमान लगाई जा रही है। मामले की सूचना अमरपुर प्रखंड कार्यालय को देने के बाद अधिकारियों की पहल पर मूर्ति को भागलपुर स्थित पुरातत्व संग्रहालय भेज दिया गया, जहां विशेषज्ञों के द्वारा मूर्ति का अध्ययन किया जाएगा। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ त्रासदी की 7वीं बरसी पर बूढ़ानाथ में हुआ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री हुए शामिल। पुलिस जिला नवगछिया में अपराधी हुए बेखौफ, बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे व्यक्ति से लूटे 55,000 रुपए। इक्कीसवीं सदी में भी लोगों पर अंधविश्वास हावी, इलाज कराने के बदले करा रहे हैं झाड़ फूंक। धरारा निवासी अपूर्व सिंह इंडियन नेवी में बने सब लेफ्टिनेंट, माता पिता ने कहा देश की सेवा करने की थी चाहत। और भारत चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, भागलपुर में चीनी झंडा एवं राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर जताया गया विरोध। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।